ये जो कल आखिरी मैच खेला जाएगा इस सीरीज का, T20 सीरीज का लास्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। सब इंतजाम कंप्लीट हो गए हैं, दोनों टीम्स आज लाहौर पहुंच जाएगी। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और नाली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और नाली बजेगी, अब खेल जमेगा। अब दिनों की नहीं सिर्फ घंटों की बात है जब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मैदान सजेगा श्रीलंका और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के मैचेस का। अब खेल जमेगा, फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी। आमने सामने होंगी दो राइवल्स। मुत्तहिदा अरब अमारात में ही पाकिस्तान टीम सीरीज अपने नाम कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद शायकीन का जोश खरोश कम ना हो सका, क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड पर अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को एक्शन में देखने के लिए बेचैन है। गद्दाफी स्टेडियम में मैच के लिए तमाम इंतजाम को फाइनलाइज कर लिया गया है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आज रात लाहौर पहुंचेंगी। टीम के रूट्स को सजा दिया गया है, मेहमान खिलाड़ियों के कदावर तस्वीर लगा दी गई है। श्रीलंकन टीम लाहौर में 24 घंटे कायम करेगी। मैच कल शाम 6 बजे शुरू होगा और 3 घंटे पहले शायकीन के लिए गेट्स खोल दिए जाएंगे। मैच से कबल रंग ओपनिंग सेरेमनी का भी इंतजाम किया गया है। Wow, see you in Lahore. वैसे हम पाकिस्तानी काफी यूज्ड टू अब हो रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, बट ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। पाकिस्तान श्रीलंका दरमियान तीसरा T20 मैच कल लाहौर में खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम में। इस वक्त क्या माहौल है, क्या तैयारी हो रही है? इस वक्त मैं गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि तैयारियां हो रही है, फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। और सबसे अहम जो बात है गद्दाफी स्टेडियम में, जहाँ पर दोनों टीमों ने मैच खेलना है, उसकी पिच की तैयारी भी उसको मुकम्मल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में ग्राउंड स्टाफ बड़ी तनदही से मसरूफ है। यहाँ पर अपनी पिच को, जो सेंटर पिच का इंतखाब किया गया है, उसको फाइनल टचेस दे रहा है। जो ग्राउंड स्टाफ ने हमें बताया कि इस मैच के लिए भी एक T20 के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए पिच तैयार की जा रही है। लाहौर का मौसम बड़ा खुशगवार रहा है, धूप भी निकली रहती है, ठंडी ठंडी हवा भी चलती है, इसलिए ग्राउंड भी बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रही है।